अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको कहते हैं? अब हम बात करेंगे कि किसी भी एलिमेंट के मौजूद सब शेल और ऑर्बिटल्स SPDF में इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि अभी तो हमने बात कर ली ना कि इस ऑर्बिटल में इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी ऑर्बिटल में 6, डी ऑर्बिटल में 10, एफ ऑर्बिटल में 14, ऐसे करते करते सारे चारों ऑर्बिटल्स के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे कैसे होंगे, किस तरीके से कोई भी एटम स्टेबल हो जाता है, इन सब का भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन को हम फिल कर सकते हैं। चलिए सपोज करते हैं कि हम ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 होगी। तो इस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1s2, 2s2, 2p4। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में जो सुपर स्क्रिप्ट है, यानी कि 2, 2 और 4, जो ऊपर मतलब छोटे छोटे लिखा हुआ है 2, 2 और 4, ये जो सुपर स्क्रिप्ट है ये हमें ऑक्सीजन में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद को इंडिकेट कर रहा है। जबकि 1, 2 और 2 ये जो कोएफिशिएंट है ये शो कर रहा है कि ऑक्सीजन में 2 ही शेल मौजूद होते हैं। यानी कि 1, 2, 2, 2 में आके ये ख़त्म हो गया, यानी कि 2 शेल ही होते हैं ऑक्सीजन के। हम ये जानते ही हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, और वो 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो इसे हम अपवर्ड डायरेक्शन के एरो से स्पेसिफाई करेंगे, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन जो कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा, घूम रहा होगा, तो उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन के एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब भाई हमने अभी तक इलेक्ट्रॉन के घर का पता मालूम किया था, अब हम ये मालूम करेंगे कि ये जो घर है, एक एटम इसमें जो मुख्तलिफ किस्म के कमरे हैं ये ऑर्बिटल्स, और अब हम ये मालूम करेंगे कि इस घर के मुख्तलिफ कमरों में किस तरीके से लोग रहते हैं, यानी कि इन एटम के मुख्तलिफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से रहते हैं, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, किस तरह से फैले हुए, किस तरह से फिल हैं, इस तरीके को हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इलेक्ट्रॉन को फिल करने के मुख्तलिफ़ किस्म के रूल्स को हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के रूल्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ आ गई कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको कहते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑर्बिटल में फिल कर रहे हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। तो 4 ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं, जिसमें से एस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन फिल करता है, पी जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन, और डी जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर फिल कर सकता है। ऑक्सीजन की एग्जांपल हम ले ली, ऑक्सीजन में सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल्स होते हैं, एक एस और दूसरा पी। एस ऑर्बिटल में 1s2, 2s2 अकॉर्डिंग टू, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये 1s2, 2s2 और 2p4 हुआ, क्योंकि 1s2, 2s2, 2p4 ये ओबो प्रिंसिपल, और आगे जाके हम लोग ने बहुत सारे रूल्स पढ़ने हैं, अभी 4 रूल्स हैं आई थिंक, पॉली एक्सक्लूजन रूल्स, ये सब पढ़ेंगे। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा ये 1s2, 2s2 क्या है। बहरहाल आपको ये जान के रखना है कि ये जो मैंने फिल किया है इलेक्ट्रॉन को ऊपर 2, 2 और 4, 8 इलेक्ट्रॉन ही हमारे क्या एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके वजह से हम लोग ने 8 इलेक्ट्रॉन को फिल किया। और 1, 2, 2 यानी कि सिर्फ 2 में जाके एंड हो रहा है, यानी कि इसमें सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि 2 सबशेल्स होते हैं ऑक्सीजन में, हम ये तो जानते ही थे। बस अब हमें 1s2, 2s2, 2p4 इसका क्राइटेरिया क्या है ये जानना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओबो प्रिंसिपल, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को फिल करने के बारे में क्या रूल बताता है ये ओबो प्रिंसिपल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ओबो क्या प्रिंसिपल हमें बताता है, ये डिस्कस करने वाले हैं। ये ओबो किसी साइंसदान का नाम नहीं है, बल्कि ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, यानी तामीर करना।
यानी कि बनाते रहना, बनाना। पॉली नाम का एक साइंसदान था जिसने इस प्रिंसिपल को, इस उसूल को और वो प्रिंसिपल का नाम दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड प्रोग्रेसिवली टू वेरियस सब शेल्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी स्टार्टिंग विथ वन एस सब शेल हैविंग लोएस्ट एनर्जी। इस प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन को हम मुख्तलिफ किस्म के सब शेल में इस तरह फिल कर सकते हैं कि जिस सब शेल की एनर्जी कम होगी इसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, इसके बाद इससे ज़्यादा एनर्जी वाले सब शेल में इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम 1s सब शेल से शुरू करते हैं जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। स्क्रीन पर आपको ऑफबो के प्रिंसिपल की सिस्टमेटिक स्कीम दिख रही होगी। आप ये देख सकते हैं कि सिस्टमेटिक स्कीम इसकी क्या है। यहाँ पर s ऑर्बिटल को 1s से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि s ऑर्बिटल में n की पहली वैल्यू 1 होती है, p ऑर्बिटल में n की पहली वैल्यू 2 से शुरू होती है। इस स्कीम में हम डाउनवर्ड की तरफ एरो लगाते हैं और सपोज कर लेते हैं हमें नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन को ऑफबो प्रिंसिपल के तहत फिल करना है। तो नाइट्रोजन की जेड यानी एटॉमिक नंबर की वैल्यू 7 होती है। हमें मालूम है कि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन को हम फिल कर सकते हैं और डी में कितने को, डी में हम 10 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। तो ऑफ वो प्रिंसिपल के मुताबिक नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3 में एंड हो जाएगी। 2p3 तक ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हो जाएगा और यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। किस रूल के तहत, किस प्रिंसिपल के तहत, ऑफ वो प्रिंसिपल के तहत। ऑफ वो रूल के मुताबिक 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 किसका होगा, ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा क्योंकि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 होता है और हम देख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 में ऊपर की अगर हम सुपर स्क्रिप्ट को गिने तो 2, 2, 4, 6, 6, 7, 8, 8 और 4, 12 इलेक्ट्रॉन फिल हमने कर दिया। अब पहले s, दूसरा s, तीसरा p और चौथा दोबारा s कैसे आया, यह आप ऊपर सिस्टमेटिक स्कीम दिख रहा है ना, आप उसको जो डाउनवर्ड एरो दिख रहा है उस तरीके से आप नीचे आते जाएं। पहले 1s में आएंगे, फिर 2s में आएंगे आप, फिर ऊपर 1s में आया, फिर ऊपर गया तो 2s में गया, 2s से फिर 2p में, फिर ऐसे करके फिर 3d में वहाँ ऊपर चले जाएंगे। यानी कि डाउनवर्ड आप देखेंगे तो सब आपको एक लाइन से एक सीरीज नज़र आ जाएगी। जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कैसे इससे ज़्यादा है ये आगे की एक रूल है वो बताएगा, लेकिन अभी जो हमने पढ़ा ऑफबो का प्रिंसिपल वो यही कहता था कि एनर्जी जिस ऑर्बिटल की कम होगी उसे हम पहले फिल करेंगे और इसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल को फिल करेंगे। तो ये जो सिस्टमेटिक स्कीम है ये इसी बुनियाद पर बनाई गई है कि अगर डाउनवर्ड हम जाते हैं तो हर ऑर्बिटल की वैल्यू जो है इंक्रीजिंग में होगी, यानी कि 1s के बाद जो 2s आया है 1s से ज़्यादा 2s की ऑर्बिटल की एनर्जी होगी और फिर 2s से फिर 2p की ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर 3s की। तो ये जो आपको दिख रहा है पूरा डायग्राम ये दरअसल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के लिहाज से बनाया गया है जिसको पॉली ने बनाया था और इस पॉली ने इस रूल का क्या नाम रखा, ऑफबो प्रिंसिपल, एन प्लस एल रूल। अब हम एन प्लस एल रूल के बारे में पढ़ेंगे। इस रूल को वाइस वेजर ने बताया था। ये रूल हमें ये याद दिलाता है कि किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी एन यानी क्वांटम नंबर जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल यानी अजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम सबसे डायरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, इन दोनों पर डिपेंड करती है। यानी कि किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी किन दो वैल्यू पर डिपेंड करेगी, एक एन और दूसरा एल। तो एन प्लस एल रूल यही बताता है। इस रूल के मुताबिक हम इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑर्बिटल में n प्लस l वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर के तहत फिल कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास कोई सा भी ऑर्बिटल होगा तो उस ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से फिल करेंगे, n प्लस l वैल्यूज़ की, उस ऑर्बिटल की n प्लस l वैल्यू देखेंगे। यानी कि दोनों क्वांटम नंबर का सम अगर हम देखेंगे
तो उसको इंक्रीजिंग वे पर हम डिज़ाइन करेंगे, यानी कि जिसमें कम n प्लस l वैल्यू होगी उसे हम पहले फिल करेंगे जिस ऑर्बिटल की, और उसके बाद जो ऑर्बिटल होगा वो पहले वाले ऑर्बिटल से ज़्यादा n प्लस l वैल्यू रखता होगा। एनर्जी जो है किसी भी ऑर्बिटल का किस पर डिपेंड करेगा, n प्लस l वैल्यू पर। तो n प्लस l वैल्यू, यही बात ओब्बो भी कह रहा था, लेकिन ओब्बो ने n प्लस l वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया था ओब्बो प्रिंसिपल ने। लेकिन n प्लस l रूल, जो वेजर रूल भी कहलाता है, ये हमें क्या बताता है, n प्लस l वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर के तहत हम किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। अकॉर्डिंग टू n प्लस l रूल, दोज ऑर्बिटल्स विच हैव लोअर n प्लस l वैल्यू आर फिल्ड फर्स्ट। इन केस टू ऑर्बिटल्स विच हैव सेम n प्लस l वैल्यू, देन ऑर्बिटल हैविंग लोअर n वैल्यू विल बी फिल्ड फर्स्ट। एक ऐसा ऑर्बिटल जिसमें n प्लस l की वैल्यू कम आएगी, उस ऑर्बिटल को हम पहले फिल करेंगे। अगर किसी केस में n प्लस l की वैल्यू एक जैसी आ जाती है तो हम इस ऑर्बिटल को पहले हम फिल करते हैं जिसकी n की वैल्यू छोटी होती है। यानी कि अगर कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें दोनों ऑर्बिटल की वैल्यू सेम आ जाए, एक जैसी आ जाए, तो हम सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल को फिल करेंगे जिसमें n की वैल्यू छोटी होगी, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा होगा, तो उसको हम पहले फिल करेंगे। n प्लस l के रूल को समझने के लिए हम दो ऑर्बिटल को कंसिडर करते हैं, एक 3d और दूसरा 4s। तो n का तो हमें मालूम है कि spdf, n का तो हमें मालूम है कि इन लेटर्स spdf के साथ जो नंबर होता है, जो इसका कोएफिशिएंट है, वही n की वैल्यू है। और s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होती है। 3d की एनर्जी n प्लस l रूल के मुताबिक 3 प्लस 2 यानी 5 होगी, जबकि 4s की एनर्जी 4 प्लस 0 यानी 4 के बराबर होगी। तो विजवेजर के रूल के मुताबिक 4s जिसकी एनर्जी कम है, इसे पहले हम फिल करेंगे, बाद में 3d के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाएगा। इसी तरह 4p ऑर्बिटल को हम पहले फिल करेंगे और बाद में 5s ऑर्बिटल को फिल करेंगे, जबकि इन दोनों की n प्लस l वैल्यू 5 के बराबर होती है। लेकिन 4p को पहले फिल करने की वजह यह है कि इसकी n की वैल्यू कम है, यानी कि इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, जिसके वजह से हम क्या 4p को पहले फिल कर रहे हैं और 5s को बाद में फिल कर रहे हैं। अब हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को पढ़ने वाले हैं। इस प्रिंसिपल को 1925 में वुल्फगैंग पॉली ने प्रेजेंट किया था, और ये प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बुनियाद पर दिया गया था। और पॉली का ये प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी एटम के एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इसमें इन दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर एक जैसी नहीं हो सकती, कम से कम एक क्वांटम नंबर इन सबसे अलग होगा। जैसे कि दो इलेक्ट्रॉन हैं और हमें पता है कि जो चार क्वांटम नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या देखता था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल देखता था, और अजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे हम सब्सिडायरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं वो देखता था कि शेप और ऑर्बिटल्स क्या है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि ओरिएंटेशन देख रहा होता है ऑर्बिटल्स की, कितने ओरिएंटेशन में वो टूट रहा है, डायरेक्शन में वो डिवाइड हो रहा है, फिर जाके लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो स्पिन क्वांटम नंबर कहता है कि एक अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कुछ यही कह रहा है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो क्या होगा, एक क्वांटम नंबर जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं उनका दोनों का हर क्वांटम नंबर मैच कर सकता है, यानी कि प्रिंसिपल भी मैच कर जाएगा, अजीमुथल भी और मैग्नेटिक भी, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर कभी मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि एक क्वांटम नंबर हमेशा मुख्तलिफ आएगा। और वह कैसे आएगा, क्योंकि एक एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो दूसरा क्लॉकवाइज करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इन एन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स।
एटलीस्ट वन क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट। इस प्रिंसिपल के मुताबिक एक ऑर्बिटस में दो इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा से ज़्यादा तीन क्वांटम नंबर यानी एन एल एम की वैल्यू एक जैसी हो सकती है, लेकिन चौथा जो क्वांटम नंबर है एस, उसकी वैल्यू हमेशा एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। एस जो है वो स्पिनिंग क्वांटम नंबर होता है, जो कहता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इस ऑर्बिटल का दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर हम हीलियम के एटम को सपोज करते हैं तो इसमें एस ऑर्बिटल होता है और इसमें दो इलेक्ट्रॉन ही फिल हो सकता है। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्वांटम नंबर होगा वो एन के लिए 1, एल के लिए 0 और एम के लिए भी 0 होगा, क्योंकि हम एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं। तो पहले और दूसरे इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए एन एल एम की वैल्यू एक जैसी होगी, और जो चौथा स्पिनिंग क्वांटम नंबर है एस, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 और दूसरे के लिए -1/2, जिसका मतलब है कि पहला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप पहले इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज घुमाएं, आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा सकते हैं, या लेकिन दोनों में से एक एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए और एक क्लॉकवाइज, ये रिस्ट्रिक्शन है बस। अब हम हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को पढ़ने वाले हैं। पॉली ने भी ये बात तो कही थी कि ऑर्बिटल अपने खुद के डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में टूटते हैं, और एक ऑर्बिटल जितने भी डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में टूटेगा उन सब की एनर्जी एक जैसी होगी। एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, इसलिए एस ऑर्बिटल इसके डीजेनरेटेड ऑर्बिटल में नहीं टूटता, जबकि पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल्स, तीन ओरिएंटेशंस होते हैं, इसलिए ये अपने तीन जनरेटेड ऑर्बिटल्स यानी पी एक्स, पी वाई और पी जेड में टूटता है। और इसी तरह डी ऑर्बिटल्स भी अपने पांच जनरेटेड ऑर्बिटल्स, जो डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं डी के, उसमें टूट जाता है, और इन पी एक्स, पी वाई, पी जेड की जो एनर्जी है वो सेम है। पॉली कहता था कि जो हम एटम में इसके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, अगर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है एस ऑर्बिटल में चले जाएंगे और 2px और 2py में दो दो इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। लेकिन 1927 में फ्रेडरिच हुंस नाम के एक साइंसदान आते हैं। भाई साहब अब ये क्या कहेंगे, ये कुछ अपना नया कुछ फंडा लेकर आ रहे हैं। भाई फ्रेडरिच हुंस नाम का एक साइंसदान आता है 1927 में, जर्मनी का रहने वाला था। इसने पॉली के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा अलग करके बताया। तो चलिए देखते हैं कि हुंस का ये मैक्सिमम रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल एन अवेलेबल डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स पी टी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर ऑब्टेंड। इस रूल के मुताबिक जो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं यानी कि पी डी एंड एफ, हम एस को नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो किसी भी ओरिएंटेशन में डीजेनरेट नहीं होता। तो पी डी एंड एफ में जो इलेक्ट्रॉन हैं उसे हम इस तरह फिल करेंगे कि पहले हम सारे डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे जो कि सेम स्पिन कर रहा होगा, और फिर बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसे हम अपोजिट स्पिन के साथ स्टार्टिंग डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में फिल करना शुरू करेंगे। जो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल शुरू से शुरू हो रहा होगा, जैसे पी एक्स, पी वाई, पी जेड, लेट सपोज हमारे पास यही है और हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे? हाँ, अकॉर्डिंग टू पॉली दो 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 करके तीनों में फिल कर देंगे, लेकिन ये कह रहा है कि पी एक्स, पी वाई और पी जेड में एक एक इलेक्ट्रॉन को पहले क्या क्लॉक वाइज फिल कर देते हैं, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में हम पहले फिल कर देते हैं, फिर एंटी क्लॉक वाइज यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम फिल कर देंगे। सपोज कर लें मिसाल के तौर पर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं और पी ऑर्बिटल है, तो सबसे पहले हम पी एक्स, पी वाई, पी जेड में एक एक इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन के साथ फिल कर देंगे।
और बाकी बचा एक इलेक्ट्रॉन उसे शुरू वाले ऑर्बिटल यानी px में अपोजिट स्पिन के साथ फिल करेंगे। हुंस कहता था कि कोई भी एटम जब फुल्ली फिल्ड होते हैं तो वो स्टेबिलिटी गेन करते हैं। एटम के ऑर्बिटल्स जब हाफ फिल्ड होंगे या फुली फिल्ड होंगे तभी वो स्टेबिलिटी गेन करेंगे, ये भाई साहब हुंस कह रहा था। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को इसने थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने तरीके से बताया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।